दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने वर्चुअल डेबिट कार्ड देना शुरू कर दिया। दोस्तों कैसे आप लोगों को वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा और कैसे एक्टिव करना होगा, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करके, ठीक है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक पे आपका सेविंग अकाउंट है तो आप लोगों को वर्चुअल डेबिट कार्ड 100% मिलेगा। आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा अप्लाई करके, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का जो ऐप्स है उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में उस पर लॉगिन होना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों पहले अपना अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को होम पेज में दिख जाएगा डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा, फिर दो नंबर पे दिख जाएगा वर्चुअल डेबिट कार्ड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हो रिक्वेस्ट वर्चुअल डेबिट कार्ड, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद में अपना अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक क्लासिक कार्ड है, ठीक है। तो फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप लोगों को सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फिर नीचे दिख जाएगा एक्टिव कार्ड, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आप लोगों को दिख जाएगा, बॉक्स पे टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे कंटिन्यू है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। फिर अपना प्रोफाइल पासवर्ड डालना होगा, ठीक है, जो आप बनाया था। डालने के बाद में कंफर्म पे आप लोगों को क्लिक करना है। फिर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा ओटीपी, ओटीपी को देना होगा। देने के बाद में आप लोगों को नीचे दिख जाएगा कन्फर्म, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, ओके। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा वेटिंग करना होगा, ओटीपी वेरीफाई होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिव हो गया। अभी आप लोगों को वर्चुअल डेबिट कार्ड दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा, बाद में आप लोग को वही कार्ड को एक्टिव करना होगा, ठीक है। बाद में आप लोग वर्चुअल कार्ड को देख सकते हो। फिर डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है और वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आप लोग को नीचे जाना है, व्यू वर्चुअल डेबिट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। फिर से अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे दिख जाएगा कंटिन्यू, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, ठीक है। फिर अपना प्रोफाइल पासवर्ड देना है। देने के बाद में कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिर से ओटीपी जाएगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ओटीपी को देना है। फिर से कंफर्म पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ओके। तो सेम प्रोसेस आप लोगों को करना होगा। करने के बाद में फिर से थोड़ा सा वेटिंग करना होगा, ओके। वेटिंग करने के बाद में आप लोगों का सामने वर्चुअल डेबिट कार्ड दिख जाएगा, ओके। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा दिया, देख सकते हो आप लोग। पंजाब नेशनल बैंक ने जो वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया बहुत ही अच्छा लोगो दिया है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप लोग सीवीवी नंबर भी देख सकते हो और 16 डिजिट का जो नंबर होता है कार्ड का वो भी देख सकते हो। वह कार्ड को आप लोग कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को पहले कार्ड को अप्लाई करना होगा, यानी कि रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर कार्ड को एक्टिव करना होगा, फिर अपना कार्ड को आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यानी कि अकाउंट पे एक्टिव कर सकते हो। तो आप लोगों को दिखा दिया कैसे पंजाब नेशनल बैंक का वर्चुअल कार्ड एक्टिव करना है और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ दिखा दिया कैसे पंजाब नेशनल बैंक का वर्चुअल कार्ड आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो से आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू। तो ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।